खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। साध्वी प्रज्ञा के सामने प्रकट हो गई काली माता। भोपाल के शक्ति मंदिर में जब साध्वी पूजा के लिए पहुंची तो काली माता से उनका सामना हो गया। फिर क्या था, साध्वी ने भी हाथ में थाम ली पूजा की थाली और शुरू हो गई आरती। ये देखिए, यहाँ काली जी आ गई हैं और साध्वी प्रज्ञा जो है वो आरती कर रही हैं। साध्वी प्रज्ञा आरती कर रही हैं और यहाँ पर काली माता आ गई हैं। भजन भी जो है वो काली माता का बज रहा है। साध्वी इसी तरह से मंदिर मंदिर घूम रही हैं, कहीं आरती कर रही हैं तो कहीं ध्यान में मग्न होकर भजन कर रही हैं। भक्ति की धुन में मग्न होकर साध्वी प्रज्ञा ढोल बजा रही हैं। भजन मंडली में शामिल महिलाएं झाल मंजीरा बजा रही हैं, तो कई महिलाएं भक्ति रस में डूबकर नाच भी रही हैं। साध्वी प्रज्ञा के प्रचार पर प्रतिबंध का ये दूसरा दिन है और साध्वी कल की तरह आज भी मंदिर मंदिर यूं ही जाकर पूजा पाठ और भजन में लीन है। कल साध्वी झाल और मंजीरा लेकर बैठी थी। और आज उन्होंने हाथ में ढोलक ले ली। चुनाव आयोग ने विवादित बयानों की वजह से साध्वी के प्रचार पर प्रतिबंध लगा रखा है जो कल तक जारी रहेगा, लेकिन बैन के बीच भी साध्वी को चैन नहीं है और चुनावी ढोल झाल बज रहा है। अब साध्वी प्रज्ञा इस तरह से कीर्तन कर रही हैं और यही उनका एकमात्र हथियार कहें या एजेंडा कहें जिसके माध्यम से लोगों तक पहुंच सकती हैं। अब यहाँ भी देखिए, आसन लगाकर फिर से ये तस्वीर देखिए आप। साध्वी सिर्फ ढोल ही नहीं बजा रही बल्कि मंदिरों में पूजा करते हुए जयकारे भी लगाती हैं और आरती भी मगन होकर गा रही है। साध्वी प्रज्ञा भोपाल से बीजेपी की उम्मीदवार हैं और यहां उनका मुकाबला कांग्रेस के दिग्विजय सिंह से है।